तो न्याय की इस पूरी प्रक्रिया में आपकी जागरूकता एक अहम भूमिका अदा करती है, तो इसी विषय पर बात करेंगे। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ श्याम बाबू वर्मा जी हैं, रिटायर्ड जज हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे खास मेहमान हैं, संजय चड्ढा जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। दोनों मेहमानों का अपने कार्यक्रम में स्वागत। और संजय जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि कानून ने एक अधिकार दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति अपना मुकदमा खुद लड़ सकता है, पर मैं आपके एक वकील के उससे मैं पूछना चाहूंगा कि ये कितना संभव हो पाता है कि आदमी वो लड़े भी और जीते भी। देखिए, जहां तक साधारण मुकदमे चलते हैं जो न्यायालयों में, जिला न्यायालयों में, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स, वहां पे तो अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि 100% वकीलों की मदद ली जाती है क्लाइंट के द्वारा। जहां तक कार्यक्रम की शुरुआत में जैसा आपने कहा कि क्या कंज्यूमर न्यायालय में भी ऐसा होता है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब तकरीबन 10-20% ऐसे मुकदमे होते हैं जो कंज्यूमर स्वतः लड़ते, हम न्यायालयों में प्रायः पाते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स में हम उनको देखते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा चंक 80-90% जो केसेस हैं वो कोई भी कंज्यूमर जो है बिना वकील के नहीं लड़ता है। लेकिन आज जो जैसा कि आप अपने कार्यक्रम में जिसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, और मैं समझता हूं कि मैं भी उस ओर में काफी जोर शोर से काम करने का प्रयास करता हूं, वो है स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस। जैसे कि मेरा हक जो कार्यक्रम आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये कार्यक्रम है, ये एक एक जन जन तक पहुंचता है और उसके बाद उस व्यक्ति को पता चलता है कि अरे मेरा अधिकार ये बिल्कुल, है बिल्कुल। तो बहुत ही आपने एक अच्छा आज टॉपिक लिया है, मैं आपको बधाई देता हूं। और एक छोटी सी बात कह के कार्यक्रम के शुरुआत में ये बताना चाहूंगा कि जी हाँ, आपको ये अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है। जैसे मैं उपभोक्ता न्यायालय की आपको उदाहरण देने का प्रयास करता हूं, कोई आपने कोई चीज ली, कोई सेवा ली या कोई वस्तु ली और उसकी आप रसीद अवश्य लीजिए। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, उनको ध्यान रखने की जरूरत है। और उसके बाद उनमें जो कमी है, वो अगर कमी है उसको एक सफेद कागज पर लिखिए और आप दे दीजिए, तो अब ये बड़ा आपके लिए आसान है, वहां पे आपको सपोर्ट मिलती है। और मैं आपको ये बताते हूँ, मुझे बड़ा हर्ष होता है कि जो ये कंज्यूमर न्यायालय है पूरे देश में हर जिले में है, कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट ये कंज्यूमर फ्रेंडली भी है, ये एक उद्देश्य है। बल्कि इनका मैं अगर ये बात कहूं तो गलत नहीं होगी, कहीं लिखी नहीं है कि ये ज्यादा टिल्टेड टुवर्ड्स कंज्यूमर, लेकिन कहीं ना कहीं भी जागरूकता की कमी है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि जो जो पूरी न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें वो अपनी सहभागिता भी दे सके, और जागरूक रहेंगे तो स्वाभाविक है कि वो अपने मुकदमे अपनी पैर भी खुद कर सकेंगे। श्याम बाबू जी, अगर हम जब हम न्याय की प्रक्रिया की बात करते हैं और खासतौर से बात करते हैं कि बिना वकील के हम कैसे कौन कौन से केस लड़ सकते हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा, और कोई जो पक्षकार होगा किन किन बातों को उसे ध्यान रखना चाहिए। सामान्य नियम तो यह है कि वकील की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में केवल है, एक्सेप्शन है जहां पर हमको वकील के माध्यम से जाने के, अपने खुद व्यक्तिगत जाने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है। बाकी हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, कंज्यूमर कोर्ट्स, किसी भी कोर्ट्स में ऐसा नहीं है कि वकील का रहना जरूरी हो, पहली बात। सिविल इसमें फैमिली कोर्ट एक्ट में और एक बुजुर्गों के लिए बना है उनके वेलफेयर के लिए जी, उसमें तो परमिशन लेना पड़ेगा अगर आप वकील रखना चाहते हैं तो। जनरल रूल यही है कि आप व्यक्तिगत हाजिर होंगे, ठीक है, ऐसे प्रोविजन है। कोर्ट से बिना परमिशन के वकील रिप्रेजेंट नहीं कर सकता फैमिली कोर्ट्स में, और इसके सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स वेलफेयर के लिए एक एक्ट बना हुआ है जो कि SDM के यहाँ चलते हैं जी, जिसमें कि पेरेंट्स को अगर उनके लड़के या रिश्तेदार कोई परेशान करते हैं या उनको उनके गुजारा करने का उनके पास साधन नहीं है तो उनकी ड्यूटी है करेंगे, और उसके खिलाफ वो सिंपल एप्लीकेशन SDO जो होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या इसको बोलते हैं उपखंड जिला अधिकारी, उपखंड अधिकारी होता है वो कर सकता है, एक क्रिमिनल बना हुआ है। श्याम बाबू जी, दूसरा जी, जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये प्रोसीजर है कि हमको अगर व्यक्तिगत जाना है पर इन पर्सन पैरवी करना है तो उसके लिए हमको एक एप्लीकेशन देना होता है, वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास जाता है, रजिस्ट्रार को अगर लगता है कि ये अपनी पैरवी खुद कर सकते हैं, इंग्लिश ठीक है ये, तो फिर वो परमिट करता है और कोर्ट में आप व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी कोर्ट में ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपल्सरी हो वकील को करते हैं। वकील हम क्या करते हैं, वकील इसलिए करते हैं कि जो फॉर्मेलिटीज होती है वो सब नहीं कर सकते,
क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं, उनको जान मालूम है कितने कैसे डॉक्यूमेंट लगाना है, कैसे उसकी ड्राफ्टिंग करना है, तमाम चीजें होती है, कोर्ट फीस कहाँ देना है, कैसे देना है, ये सब चीजें होती है। श्याम बाबू जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि लोगों तक ये जानकारी नहीं है कि वो अपनी पैरवी, अपना मुकदमा खुद लड़ सकते हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें भी अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है? अवेयरनेस जरूरी है, और अवेयरनेस इस बात की भी जरूरी, प्रोसीडिंग कैसे होती है ये तो जानकारी होनी चाहिए, तब तो हम व्यक्तिगत रूप से जा सकते हैं, नहीं तो वकील की सहायता लेनी ही पड़ेगी। तो फैमिली कोर्ट में तो परमिट करती है, कोर्ट एक एप्लीकेशन लगता है सेक्शन 13 का, जिसमें कोर्ट परमिट करती है कि हाँ आप वकील रख सकते हैं, तब फिर वकील लगाते हैं। उसमें कोर्ट को लगता है कि इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो है, ये वकील की सहायता इसको दिलाना जरूरी है। बिल्कुल, तो जागरूकता को लेकर हम जरूर बात करेंगे। बिल्कुल, श्याम बाबू जी कह रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़ाना बेहद जरूरी है, इस पर हम जरूर बात करेंगे। संजय जी, श्याम बाबू जी, संजय जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जैसे लोगों को यह भी मानना है कि वकील के शामिल हो जाने से, जिन मामलों में वकील की जरूरत नहीं है वहां भी अगर वकील शामिल हो जाता है, तो जो न्याय की जो प्रक्रिया है वो काफी महंगी हो जाती है और टाइम टेकिंग भी हो जाती है, क्या इससे भी राहत मिल सकती है, पैसा भी, धनराशि भी बचाया जा सकता है? देखिए, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जानना यहाँ पे। जैसा मेरे साथ में श्याम बिहारी जी ने बताया कि परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है कई जगहों पे तो वकील लगाने के लिए, लेकिन बात क्या है कि हमारा कानून एक प्रोसीजर से चलता है, हमें एक प्रोसीजर को फॉलो करना है, और उस अगर प्रोसीजर को आप फॉलो नहीं करते हैं तो वो केस आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो इस वजह से आप क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटीज है मेरे हिसाब से, और इनकी वजह से एक व्यक्ति बाध्य होता है वकील को अपॉइंट करने के लिए, और ये प्रोसीजर चलता आ रहा है। मैंने जैसे आपको बताया 100% केसों में एक्सेप्ट कंज्यूमर, या कुछ जगहों पे कुछ जो जागरूक नागरिक हैं वो स्वतः अपीयर हो जाते हैं, लेकिन हर जगह पे आप देख लीजिए लॉयर के माध्यम से ही अपीयर होते हैं। अब जहां तक आपका प्रश्न है, अगर व्यक्ति खुद एक केस की पैरवी करेगा, व्यक्ति अगर खुद खड़ा होगा, तो वो निश्चित बात है कि लॉयर की फीस नहीं देनी पड़ेगी उसको, पहली चीज, तो पैसे कम लगेंगे, पहला बात। दूसरी बात, अगर मैं खुद अपने केस की पैरवी कर रहा हूं और केस में अगर कोई एडजॉर्नमेंट हो रहा है, तो मैं बड़ी परिपक्वता से, ये बात आपका लॉयर भी कह सकता है, बड़ी परिपक्वता के साथ और बहुत मजबूती के साथ केस को एडजॉर्न ना किया जाए जी। और देखिए, अगर आप ये कहते हैं, किसी भी एडजॉर्नमेंट का आप विरोध करते हैं, चाहे आपका लॉयर भी विरोध करता है, तो आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल डेट न्यायालय प्रदान करते हैं, ये एक बड़ी रेगुलर प्रैक्टिस है। तो हम ये बात, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। एक बहुत पुरानी कहावत है, जहां पे मुद्दई सुस्त तो काम आपका जो है वो खराब हो जाएगा, तो मुद्दई को तो चुस्त रहना पड़ेगा, मुद्दई को तो जागरूक रहना पड़ेगा। अगर मुद्दई जागरूक होगा, अर्थात एक साधारण व्यक्ति जिसका मुकदमा है वो जागरूक होगा, तो उसका केस जल्दी से होगा, उसका केस परिपक्वता से समाप्त होगा। ऐसा मेरा मानना नहीं, ये तो सदियों से ये कहावत भी चलती है। बिल्कुल, श्याम बिहारी जी, जैसे कि संजय जी कह रहे हैं कि जागरूकता बेहद जरूरी है, आप जज रह चुके हैं, ऐसे मामले अगर आपके सामने आते थे, कोई साधारण सा नागरिक आपके पास पहुंचता था अपने आवेदन लेके कि नहीं हम अपने मुकदमे की पैरवी खुद ही करेंगे, खुद ही हम मुकदमा लड़ेंगे, तो क्या प्रोसीजर पूरा रहता था? जी, प्रोसीजर वही रहेगा, उसको हियर सुनेंगे, हम वकील को नहीं सुनेंगे, उसको डायरेक्ट सुनेंगे। हमने कई केस ऐसे डिसाइड किए, एक अपील कॉम्प्लिकेटेड अपील, सिविल के अपील थी एक जगह पर, मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज था उस समय। उस समय वो व्यक्ति जो है काफी बुजुर्ग थे, लेकिन वो अपनी पैरवी खुद करते थे और अपनी लड़ाई खुद उन्होंने लड़ा, और वो सब टेक्निक सब जानते थे, कानून भी जानते थे, और उनकी असल में अंत में उनका उनके पक्ष में फैसला हुआ जी। बिल्कुल, केस मजबूत था उनका, सारी टेक्निक जानते थे, आर्गुमेंट जानते थे, कानून खुद पढ़ के आते थे उधर से, कोई वो एक वकील नहीं थे, वो सिंपल गांव के आदमी थे। क्या कोर्ट वजह भी पूछता है कि आप अपना मुकदमा क्यों खुद लड़ना चाहते हैं, क्या कुछ कारण देने होते हैं? नहीं नहीं, केवल सुप्रीम कोर्ट में है जो परमिशन लेना पड़ता है इन पर्सन, और कहीं भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम व्यक्तिगत लड़ा अपना मुकदमा चला सकते हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ऐसा है। बिल्कुल, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। इसका भी कारण है संतोष जी, अगर आप मुझे, केवल क्या होता है, प्रोसीजर जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना फॉर्मल है,
कि उसमें वो सामान्य आदमी नहीं समझ पाता, इसलिए वकील तो करना मजबूरी हो जाता, नहीं लिखना रहेगा तो उसका केस खारिज हो जाएगा, ये भी तो डर रहता है। बिल्कुल संजय जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, उसका उसका कारण ये है, सुप्रीम कोर्ट में कारण ये है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, मैं भी जाके कोई एक व्यक्ति मेरे जैसा वकील, अगर मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ मैं भी नहीं स्वतः फाइल कर सकता हूँ अगर मैं नहीं हूँ, मुझे भी एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की मदद देनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में। कारण यह है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ जजेस हैं, जैसा हम सब जानते हैं 31 जजेस हैं, और सबसे सर्वोच्च जगह है जहां से न्याय मिलेगा, वहां पे समय वेस्ट नहीं होना चाहिए, प्रोसीजर जो है वो फॉलो होना चाहिए, जजेस को कोई कॉम्प्लेक्सिटीज को प्रॉब्लम ना हो। ये इस वजह से एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है कि जो वहां पे फाइलिंग की जो व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से होगी, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वो इस चीज को जानता है कि कहां पे क्या कागज लगना है, क्या पैराग्राफ है, प्लीडिंग्स किस प्रकार से होनी है। वो लड़ सकता है संजय जी, लड़ सकता है संजय जी, तकनीक की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका देखते हैं, जैसे हमने श्याम बिहारी से भी बात की, आपको लगता है कि इससे समय की भी बचत होती है, लोगों को परेशान भी नहीं होना पड़ता है, घर बैठे सुनवाई हो रही है, इससे न्याय पाना और सरल और सुलभ हुआ है? संतोष जी, ये एक बहुत इस कोरोना काल में एक ये नई जो उत्पत्ति हुई, हम लोग समझते हैं, हम लोग कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप दिल्ली में आज भी कंज्यूमर फोरम, कोरोना अभी जाने के रास्ते में है, ईश्वर से प्रार्थना है कि वो चला जाए पूर्णतः, अभी भी दिल्ली में कंज्यूमर फोरम्स, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम्स, अब इवन स्टेट कमीशन, अब कंप्यूटर पे ही वर्चुअल मोड पे चल रहा है, अर्थात वहां पे आप सिर्फ अपने घर से, तो एक बार में एक नहीं, आप चार चार जगह पे अपीयर हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप लॉयर हैं या कुछ हैं तो उनको तो सुविधा है, एक साधारण व्यक्ति अपने घर से बैठा हुआ अपनी एप्लीकेशन वहां दायर कर सकता है, ऑनलाइन कर सकता है, और इससे बहुत बहुत देखिए जाना आना आपका बच गया, कोई खर्चा नहीं, समय की, और समय भी उन्होंने बांटा हुआ है कि एक नंबर से लेके 10 नंबर तक 10:30 से 11 बजे तक आएंगे, तो समय भी आपको मालूम है कि 11 बजे के करीब आपका मैटर आएगा। लेकिन पहले क्या होता था, आप जाएंगे 10 बजे जाएंगे वहां बैठेंगे, घंटों आपके लग जाते थे, तो निश्चित तौर पे इससे बहुत बहुत प्रभाव पड़ा है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना भी चाहूंगा कि कई जगहों पे इसको बंद किया जा रहा है, इस सिस्टम को, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोसीजरल चीजें हैं बहुत आसानी हो रही है लोगों को, बल्कि डिस्ट्रिक्ट न्यायालयों में भी मैं शुरू करने का आग्रह आपके माध्यम से करूंगा, अगर ये हो सकता है तो दोनों मोड जारी रखिए, फिजिकली भी लोग आए और ऑनलाइन भी हो सकता है, उससे आपका ट्रैफिक जाम नहीं होगा, लोगों का तेल बचेगा, लोगों का समय बचेगा, न जाने कितनी पॉजिटिविटीज हैं उसके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन तकनीकें के आने से बहुत 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 उपलब्धि हुई है और बहुत लाभप्रद भी है, समय की कमी है, लेकिन हम लास्ट कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे, श्याम बिहारी जी, अगर हम वकील और वकील के रिश्तों की बात करें तो बेहद विश्वासपूर्ण रिश्ता होता है, बहुत से तथ्य साक्ष्य जो है एक दूसरे से शेयर होते हैं, पर अक्सर ये भी देखा जाता है कि मुवक्किल को अंधेरे में रखा जाता है, तो ऐसे में क्या वकील की जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, उसको लेकर भी कोई कुछ प्रावधान है? वकील को अपने क्लाइंट के प्रति वफादार रहना पहली जरूरत होती है जी, यहां तक एविडेंस एक्ट में भी है, वकील और क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, उसको डिस्क्लोज करने के लिए बाध्य नहीं किया सकता, इतना इंपॉर्टेंट है जो कि कॉन्फिडेंस दोनों के बीच में, और अगर कोई उसके विश्वासघात करता है या दूसरी पार्टी से मिल जाता है या इस तरह कोई बात होती है तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है, जिसके लिए BCI है स्टेट में जी। सॉरी, स्टेट में है संजय जी, अधिवक्ता परिषद, राज्यता परिषद है और वहां पर ये एक बहुत ही मजबूत बात है। अगर कोई वकील अपने क्लाइंट के साथ गलत चीज करता है, जैसा कि अभी आपने वर्णित किया, उसकी रिपरकशन इतनी सख्त है संतोष जी, अगर बार काउंसिल वो ऐसे वकील का
जो लाइसेंस है वो तक कैंसिल हो सकता है। तो आप तमाम लोगों को अधिकार है। मैंने देखा कई बार लोग शिकायत नहीं करते, अगर किसी व्यक्ति का नुकसान हुआ वो शिकायत नहीं करता कि इनसे क्या लड़ेंगे, ये तो वकील है। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं और आपके माध्यम से भारत की जनता को ये बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है। अगर आपके खिलाफ कोई किसी गलत तरीके से काम किया गया है, आपको चीटेड किया गया है, आपका मिसयूज किया गया है, कोई गलत स्टेटमेंट आपकी वजह से दिया है, आपके बिना पे दे दिया गया है और उससे आपका नुकसान हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की आपको शिकायत करनी चाहिए। कानूनन तौर पे ऐसे व्यक्ति का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। बिल्कुल जवाबदेही और प्रावधान है। बिल्कुल जवाबदेही तय करनी बेहद जरूरी। श्याम बिहारी जी, समय की बेहद कमी है, बस लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूंगा कि आपको लगता है बार काउंसिल है समय समय पर वकीलों के लिए समीक्षा भी करनी चाहिए उनके कर्तव्यों को लेकर, उनकी जिम्मेदारियों को लेकर, बेहद संक्षिप्त में जी। उनके 5 साल में कुछ उनके प्रैक्टिशनर के हैं कि रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं कि नहीं, उसमें वकील सभी नहीं, सभी अच्छे हैं, कुछ ऐसे घुस जाते हैं जो वास्तव में प्रैक्टिस नहीं करते, उनके कारण दिक्कत आती है। जो प्रैक्टिशनर नहीं है केवल नाम के वकील होते हैं। बिल्कुल, तो जवाबदेही कर्तव्य की जो जवाबदेही बेहद जरूरी है, और चाहे वकील हो मुक्किल हो, तो ये जरूरी है कि जो न्याय की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे उसको आसान किया जाए, और ये तभी हो सकता है जब लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैले। दोनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी और श्याम बिहारी बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की कि कैसे हम न्याय प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं, तकनीक की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, और सबसे खास बात, आपकी जागरूकता एक अहम भूमिका अदा करती है। बहुत से ऐसे मामले हैं जिन पर जिनमें किसी भी प्रकार की वकील की जरूरत नहीं होती, आप खुद पैरवी कर सकते हैं, मुकदमा लड़ सकते हैं, जिसमें समय की भी बचत होगी, पैसे की बचत होगी, बस जरूरी है कि आप जागरूक रहें।